स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का मुख्य परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैंने परीक्षा प्रारूप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी मैंने वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि प्रश्न पत्र 7 होते हैं, तो पहला नंबर अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट की अब हम चर्चा करते हैं। ये निबंध का होता है, तो अब देखते हैं निबंध। ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषय के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाएगी कि अपने विचारों को निबंध के विषय में निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। ये हो गया निबंध। फिर हम बात करते हैं पेपर सेकंड की बात करते हैं, जिसे जीएस पेपर फर्स्ट भी कहते हैं। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं तो उस पर हम बात करते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति, विषय, ये होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। फिर हम बात करते हैं विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय। फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट, विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, ये है। नेक्स्ट में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी प्रमुख महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिम आवरण सहित और वनस्पति एवं प्राणीजात में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। फिर हम बात करेंगे पेपर थर्ड की बात करेंगे, जिसे समान अध्ययन सेकंड, जिसे जीएस पेपर सेकंड भी कहते हैं। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में चर्चा होगी। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। फिर हम बात करेंगे
नेक्स्ट, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। नेक्स्ट, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथकीकरण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्यकाल संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय। नेक्स्ट, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, संविधिक विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। हम बात करते हैं विकासात्मक विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोक उपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा के बेहतरी के लिए संगठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। नेक्स्ट, हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के लिए विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूखे से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका, भारत एवं इनके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अर्थात भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। फिर हम बात करते हैं पेपर 4, जिसे GS पेपर 3 भी कहते हैं। इसके अंदर प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा योजना, रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधी विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमा सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे से अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार। आगे हम बात करते हैं उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपथ, रेलवे आदि। अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट टॉपिक। निवेश मॉडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां देशज रूप से प्रौद्योगिकी के विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कंप्यूटर रोबोटिक नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों में संबंध में जागरूकता संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन आपदा और आपदा प्रबंधन विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। आगे हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें धन शोधन और इसे रोकना। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा इनके अधिदेश। आगे हम बात करते हैं पेपर फिफ्थ की जिसे जीएस पेपर फोर भी कहते हैं। यह है नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि। अब हम इसमें चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सामाजिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज में आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगी। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा जो नीचे हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक जो इसके अंतर्गत आएंगे। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व इसके निर्धारक और परिणाम। नीतिशास्त्र के आयाम निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र मानवीय मूल्य महान नेताओं सुधारों तथा प्रशासनों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। अभिवृत्ति सारांश संरचना वृत्ति विचार और आचरण के परिक्षेप में इसका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक और राजनैतिक अभिरुचि सामाजिक प्रभाव और धारणा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल सत्यनिष्ठा भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी निरपेक्षता सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति सहिष्णुता तथा संवेदना। नेक्स्ट टॉपिक है भावनात्मक समझ अवधारणा और प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका प्रयोग। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोक प्रशासकों में सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्या सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि नियम विनियम तथा अंतरात्मा शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नीति मूल्यों का सुदृढ़ीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक शासन व्यवस्था में ईमानदारी लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार सरकार में सूचना का आदान प्रदान पारदर्शिता सूचना का अधिकार नीति परक आचार संहिता आचरण संहिता नागरिक घोषणा पत्र कार्य संस्कृति सेवा प्रदान करने वाली गुणवत्ता लोक निधि का प्रयोग भ्रष्टाचार की चुनौतियां उपरोक्त विषयों पर संबंधित
अध्ययन केस स्टडी आएगी। अब हम बात करते हैं पेपर 6 और 7, जिसे वैकल्पिक विषय भी कहते हैं। वैकल्पिक विषय में पेपर 1 और पेपर 2 आता है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बना दी है हिंदी साहित्य के ऊपर वैकल्पिक विषय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैंने पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, आप जाके देख लीजिए। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए हैं, नेशनल पार्क मैंने करा दिया है, नेशनल पार्क्स भी मैंने करा दिया है, जिसका वीडियो पड़ा है आप जाके देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें जल्द से जल्द। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।